तू नहीं करदा मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे तुम कार्या वह मेरे मीत ए मेरे मित्र मन अपने घर विच आ अपने हिरदे विच टिक परमात्मा च टिक। दूसरा विचार है तुमरे दुखी हर आप निवारे। दुखियां तो बिना संसार विच कोई हस्ती होंदी नहीं सब दे दुखी होंदे। तुसी कदी नजर मार के देखो थोड़े भी दुखी होणगे। जितनी वड्डी पदवी उतने ज्यादा दुखी। ये तां एक रब्बी नियम है गुलाब की टहनी जिन्नी वड्डी होवेगी कंडे उन्ने ही ज्यादा। जिन्नी पदवी वड्डी उन्ने दुखी ज्यादा। दुखियां तो बिना कोई संसार ते नहीं है ना कोई अवतार है ना कोई संत है ना कोई राजा महाराजा है। गुरु घर दे भी बथेरे दुखी सुलही खान वर्गे सुलभी खान वर्गे शेख फतेह वर्गे मुर्तजा खान अहमद सरहंदी इत्यादक दुखी थानू सब जगह मिल जाएंगे। इस मन दे दुखी कौन ने जेड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने ना वो मन दे दुखी ने टिकन नहीं दे। जोगी अल्लाह यार खां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दुखियां का जिक्र किया है कहने अदा ने कभी तुझे संभलने ना दिया था। अदावत कहने दुश्मनी नू और अद्दू कहने दुश्मन नू। अदा ने कभी तुझे संभलने ना दिया था। आराम से पहलू को बदलने ना दिया था। दुखी यही करते ने आराम नाल पासा नहीं पलटन देंदे। अदा ने कभी तुझे संभलने ना दिया था। आराम से पहलू को बदलने ना दिया था। जिस रण में लड़ा बेसरो समान लड़ा तू सौ सिंह लिए लाखों पे जाके पड़ा तू। ये दुखी अवतारा देवी ने गुरु घर देवी ने महापुरखां देवी ने और राजा महाराजा दे हर एक दे दुखी ने। मन दे दुखी विकार ने जेड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन नू टिक के हिरदे विच नहीं बैठन देंदे। सतगुरु कहंदे ने इन्हां दुखियां नू प्रभु दा नाम निवार देंदा है। तुमरे दुखी हर आप निवारे निवार दित्ते हन। ते तीसरा विचार है अपदा पई बतीत। महापुरख विद्वान जानते हैं मैं ते विद्वाना दी चरण तोड़ भी मिल जाए ते वडभाग समझदा अपने आप नूं। विद्वाना दी श्रेणी च मैं अपने आप नूं नहीं रख सकता। जेड़े वाकई विद्वान ने साडे संप्रदायी ज्ञानी ने उह शब्द दे नाल थानका श्री गुरु अर्जन देव महाराज के इतिहास की भी जोड़ते हैं। बडाली जद साहब ने कुछ अरसा निवास रखिया 1652 21 हाड़ बिक्रमी नू गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन गुरु की वडाली होया। उत्थों वापस आने की जड़ी महान इतिहासक घटना है साढ़े संप्रदायी ज्ञानवान पुरुषों ने इस शब्द की उथानका उस नाल भी जोड़ी है। विद्वान सज्जन जानते हैं मूल रूप विच मन नाल ही इसनू रखना चाहिए क्योंकि मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सत। प्रथाए साखी महापुरुख बोलदे सांझी सगल जहान। मूल विचार बाणी विच मन दी है। दो ही विचार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च मूल रूप च ने। एक निरंकार का जिक्र है एक मन का जिक्र है। जैसे जपजी साहब का पहला श्लोक आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होशे पी सच। इथे परमात्मा का जिक्र है। इथों तक एक ओंकार तो लैके नानक होशे पी सच तक परमात्म गुणा का जिक्र है।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੁਮ ਘਰ ਆਵਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਆਪਦਾ ਭਈ ਬਤੀਤ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੀ ਬੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਖੋਲ ਲਈਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜਪਹੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਧਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵਸਦੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ਜਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ ਬੜੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਾਮਤ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਰਕਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਏ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਕਾਫੀ ਥਾਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ
विद्वान सज्जन जानते ने संपूर्ण थाट की काफी थाट की संपूर्ण रागणी है जिसका आरोहण भीम पलासी अंग विच है ते अवरोह इसका पूर्वी मुल्तानी का अंग है ते गाउण का समा इसका दिन का चौथा पैर है। जिहड़े संगीतकार ने वह इस गल नूं जाणदे हन एक पावन बचन सतगुरु जी ने तनासरी राग विच महला पंजवां का मतलब है गुरु अर्जन देव जी की बाणी। पंजवां महला श्री गुरु नानक देव जी का पंजवां जामा पंजवां शरीर जो उच्चारण कर रहे हैं जिन तुम भेजे तिन है बुलाए सुख सहज सेती कर आओ। मेरे मन जिसने तेनू संसार ते भेजा है संसार ते तेरा आना जिस करके होया उस करणहार करतार ने तेनू भेजा है ते वही सतसंग राही तेनू अपने कोल बुला रहा है तेनू अपने हिरदे घर विच बुला रहा प्रेरणा कर रहा है कि मेरे वल आ। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन मिलेगा कि साहब कद ने आनंद मंगलाचार खुशी दे वाजे अंदर वज पैणगे। जब खुशी मनाई जाती है ना तो बाहर संगीत अलापया जाता रोशनियां कीतियां जांदियां ने साहब कद ने आनंद मंगलाचार दियां धुनिया तेरे अंदर चल पैणगियां। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन अंदर रौ चल पवेगी फिर इस तरह अवस्था प्राप्त होवेगी। नेह चल राज कमाओ जिवें किसी राजे का कोई दुखी ही ना रह गया एक सत्तर जिसका राज होवे ते निहचल राज होवे जिहड़ा कदी जाना ना कितना सुखी वह राजा होवेगा जिसका कोई दुखी ही ना हो जिसका राज अटल होवे। महाराज कहने ऐ मेरे मन परमात्मा का नाम जप के जब तू हिरदे रूपी घर विच टिकेगा फिर तेनू निहचल राज का सुख प्राप्त होवे। आनंद मंगलाचार अनहद वाजे धुन वजदे गुर शब्द सुनी जाए ऐसी अवस्था प्राप्त होवेगी। तुम घर आवो हो मेरे मीत महाराज ने इत्थे मित्र कहा मेरे मित्र मन तू अपने घर विच आके देख तां सही कितना सुख है कितना अपनापन है। अफसोस तो इस गल का है कि असी जीवन जीविया है बेगानेपन विच बेगानिया विच जीवन जीविया है बेगाने संसार विच जीवन जीविया है अपने घर विच ते एक दिन भी नहीं आए बाहर ही भटकते रहे बाहर दे जगत नाल नाता जुड़ गया ते अपने घर का आनंद माण ही नहीं सके। साडा घर तो आनंद नाल भरिया है सारे काम प्रभु ने सवारे हुए इसलिए गुरु अर्जन देव जी ये भी कहते हैं थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरु ने तेरे सारे काम उस घर विच पता चल जाता है आप ही सवारे हुए हैं तुमरे दुखी हर आप निवारे दुखी काम क्रोध लोभ अहंकार कभी वस विच आते ही नहीं हमेशा दुख का चिंता का बायस बने रहते ने इन्हों गुरु आप ही निवार देता है गुरु नहीं हुण तक जिन्हों के निवरे हैं निवारे हैं। आपदा भई बतीत इस हिरदे रूपी घर में आके ही मनुख कह सकता है भी हुण कोई बिपता नहीं रही वरना बिपता तो पैर पैर ते कदी रोग की बिपता कदी शोक की बिपता कदी आर्थिकता की बिपता कदी अज्ञानता की बिपता बिपतावान नाल ते जीवन घिरिया होया है बिना हिरदे घर विच टिकिया संसार दियां बिपता खड़ा नहीं छड़दियां सारियां बिपतावान दा मुश्किलां दा तां ही नाश हुंदा है। एक सवाल पैदा हुंदा है दूर कितना कहे घर
एक सूफी दे दो बोल मैं आप जी दे पेशे खिदमत विच नजर करना चाहता। वो कहते मेरे घर से उनके घर का फासला 100 जन्म का शायद होगा। कई ने 100-100 जन्म भी आखे ने, कई अगले जन्म की गल करते हैं। चलो 2-4 मीलों का तो होगा जिहड़ा तय करना है। उसके बोल बड़े कीमती ने। हसदिया कहिंदा नहीं, मेरे घर से उनके घर का फासला 1 पल का था, 1 जमाना हो गया लेकिन मुझे चलते हुए। फासला तो बड़ा ही थोड़ा है, 1 पल में जो दूर हो सकता है पर बड़िया मुद्दतां लंघ गई हैं, युगां पर्यंत लंघ गए, अजे तक 1 पल का ही फैसला नहीं तय होया, क्योंकि घर के बाहर ही खड़ा अंदर आया ही नहीं। खड़ा तो दरवाजे पर ही है पर अंदर आया ही नहीं है। इसलिए यह गल लंबी हो गई। साहब कहते हैं पुरखा तू घर विच आ, तेरिया सब बिपतावान मुक जावणगियां। रहाओ मरकजी बोल हैं। रहाओ का मतलब ठहराओ है, रहाओ का मतलब पाउज है, और गहरे विच देखिए तो रहाओ का मतलब परमात्मा है। होर किसी धार्मिक पूजनीक ग्रंथ विच रहाओ शब्द नहीं है, रहाओ केवल गुरु ग्रंथ साहब जी विच है। तो इंज भी कह सकते हैं कि प्रतख तौर पर जिथे परमात्मा वसदा है अखर अखर विच, इस तरह का कोई महान रहबरी ग्रंथ है तो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, होर कोई नहीं। जिथे प्रतख तौर पर परमात्मा बाणी रूप च वसदा है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मान, परतख गुरु निस्तारे। परतख परमात्मा जिथे वसदा है, रहाओ रूप में वस रहा है, ओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। प्रगट कीने प्राप करने हारे, नासन भाजन थाके। जदों परमात्मा नाल कोई जुड़ जाता है, अपने निज घर विच टिक जाता है, परमात्मा उसनों लोक परलोक विच प्रगट करता है, लोक विच भी वह जाणिया जाता है। भावें कितना ही कोई चाहे कि मैं संसार दे सामने नहीं आना, जैसे भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते ने, मैनू सुपे रहन दी चाह ते सुप टुर जाण दी हाय पूरी होंदी ना, मैं तरले लै रहा। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा महापुरख आत्मा अपने आप नूं दासान दास कहिंदे ने, पर जगत नहीं जानता कि उन्हां दी हस्ती की है। भाई वीर सिंह जी अपने आप नूं कहिंदे ने, मैनूं सुपे रहण दी चाहत है, पर सारा जगत जानता उन्हां नूं पढ़िए, उन्हां वर्गा होर कोई दूजा दिखाई नहीं पैंदा। एक एक पंक्ति रस नाल हिरदे नूं भर दी जांदी, रोम रोम रस दी चरनाहट छिड़ जांदी है। ऐसे पुरखां नूं प्रभु आप ही लोक परलोक प्रगट करदा। चलिया पद सों जन्म सवार, वाजा वाए सी मानस क्या विचारा, त्यों लोक सुनाए सी। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। परमात्मा लोक परलोक विच ऐसे पुरखां नूं प्रगट कर देंदा है और उन्हां दा मन नसण भजण तो टिक जांदा है। कर मंगल वाजहे नित वाजे, घर विच मंगलाचार खुशियां दे गीत वजदे हन। अपने खसम निवाजे, ऐसे पुरखां ते खसम प्रभु पति मेहर कर देंदा, मेर नाल निवाज लैंदा है, होर कोई खेड दिखाई नहीं पैंदी। अज तक जिसनों प्राप्ति हुई है उहदी मेर करके ही हुई। जिहड़ा भी कोई निवाजिया गया है साध संगत, वह गुरु की मेहर करके ही निवाजिया गया है। हस थिर रहो
डोलो हो मत कबहो। मेरे मन अपने घर विच अस्थिर रहो, टिक के रहो, डोलना बार बार भटकना। भटकते हुए मन की, डोलते हुए मन की पछाण की है? वो गुरु ग्रंथ साहब जी को भी आ जाएगा, वो कबरां को भी चला जाए, वो तागे तवीतड़िया को भी चला जाए, वो मड़िया मसाणा वाल भी दौड़ता जाएगा। ते हद ते उदों हो जाती है जदों सिर ते दस्तार सजाई हुई। श्री साहब भी गल च पहने आया है, पर इंज हथ करके मंगत्यां दी तरह यह ज्योतिषियों के अगे भी बह जाता है। बई जरा पंडित जी मेरा भविष्य दस दो। खालसे का भविष्य मैं दस सकता हाँ, खालसे का भविष्य गुरु गोबिंद सिंह होना है। खालसा मेरे रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। ऐसा पुरख डोलदा नहीं है। साहब कहने हे प्रभु तू मेर करके बचा, डोलन ते रखो प्रभु नानक देकर हाथ। अपना मेर परया हाथ रख के मेरे मन नू डोलन तो बचा। साहब कहने मेरे मन टिकिया रहो कदी डोलना, गुर के बचन आधार। किवें डोलन तो बच सकता है? जे गुरु दे बचना नू अपना आसरा बना ले, भाव गुरु वचन अनुसार चलन लग पवे। जय जयकार सगल भूमंडल, फिर सारे भूमि मंडल ते ता तेरी जय जयकार हो ही जानी है। मुख उज्जल दरबार नाल नाल अगे प्रभु दी बारगाह विच भी तेरा मुख उजला हो जावेगा। जिनके जीत नहीं फेरे, जिसने जीव साजे ने जगत साजिया है उसने ही फिर इन्हों अपने वाल मोड़िया। वो आप ही मेर करके अपने वाल मोड़ता है। आपे भया सहाई, आप ही सहाई होता है, क्योंकि प्रभु वाल अपने बल नाल तो मुड़िया भी नहीं जाता। अपने बल नाल भाई बचित्र सिंह जी ने हाथी नूं थोड़ी मारिया, गुरु दे बल नाल ही खेड वरती। बाबा विधि चंद साहब ने अपने बल नाल पाठ विच बह के अपने आप नूं थोड़ी बचाया, गुरु दे बल नाल ही खेड वरती है। भाई काला जी ने जैत पुराणे नूं अपने बल नाल थोड़ी मारिया, गुरु हरगोबिंद साहब जी का बल वरत्या। इस तरह अनंत साखियां ने अपने बल नाल नहीं हुंदा, इह गुरु दे बल नाल हुंदा है, उदी सहायता उदी मदद नाल होंदा है। अचरज किया करन हारे, नानक सच वडियाई। अचरजता नाल भरिया होया हैरान कुन अवस्था विच लै जाण वाला करिश्मा गुरु ने वरताया। यह खेड गुरु ने वरताई है, जिस परमात्मा की वडियाई सदीवी जो हमेशा रहण वाला है उसने मरम्मत की है ते अपने घर विच टिकण दा मार्ग दर्शाया ते बल प्रदान कीता। सतगुरु पातशाह मेरा भरिया हाथ सारिआं दे सिर ते रख के निवाजण। दो दिनां दी हाजरी दा समां प्राप्त होया सी जो आप जी दे चरण कमलां विच भेट कीता है। अगला 8 ते 9 अप्रैल दा समां फिर प्राप्त होया। आप संगतां दे नज़र करांगे। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे चरण कमलां च प्रार्थना है, जोदड़ी है समूह संगतां दे सिर ते, माननीय सिंह साहिबान जीआं दे सिर ते, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समूह सेवादार, मुख सेवादार सरदार अवतार सिंह जी जथेदार साहब, उन्हां दे सिर ते गुरु मेहर भरिया हथ रखे। सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जीआं नूं गुरु चढ़दी कला सेहतयाबी बख्शे, जो इसे तरह ही निम्रता भाव विच प्रेम च भिज के संगतां दी चरण तोड़ मस्तक ते लाउंदिआं सदा ही सेवा गुरु बनाई रखे। दास इन्हां महान पुरखां दा धन्नवादी है। कोटान कोट शुकराना श्री गुरु रामदास पातशाह जी, जिन्हां दी बाणी दी एक पंक्ति साडा इन्ना समां सफल कर दिंदी है।
दास भनवादी है पीटीसी चैनल वालों का जो घर घर ये विचार आप तक पहुँचाते हैं और हरिमंदर साहब का दीदार आप तक पहुँचाते हैं। गुरु इन्हों भी तौफीक बख्शे। बारंबार फिर तो सब का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। पुलां चुकां दी खिमा दस्त बस्ता गुरु फतेह दी दात अपनी अपनी चौड़ी च पवानी है। पेशतर इन्हां पंक्तियां दा पाठ रल के सारे करिए। जिनके जीत नहीं फेरे आपे पासाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह।